सबसे पहले बात सीबीएसई के आए नतीजों की करेंगे। 12वीं क्लास के रिजल्ट आ गए हैं, परिणाम आ गए हैं 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई results.nic.in पर जारी हो गया है। इस साल 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 83.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे। यानी इस बार की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है वो 5.38% बेहतर रहा है, ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं इस बार पिछले साल के मुकाबले। आपको बता दें कि सीबीएसई को कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं बाकी बच गई थी वो रद्द करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोर्ड की मूल्यांकन योजना यानी असेसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी थी। जो पेपर रद्द किए गए उनके मार्क्स इसी असेसमेंट स्कीम के आधार पर दिए गए, यानी जो एग्जाम हो चुके थे उनमें जो अंक आए हैं उन्हीं अंक की एक तरह से कहें कि एवरेज निकालकर जो बाकी बचे एग्जाम थे जो पेपर नहीं हो पाए थे उसमें अंक उसी हिसाब से दिए गए हैं। रांची में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, तो रांची की बात बता रहे हैं। रांची में सीबीएसई के नतीजे जो आए हैं उसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। मदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, पिछले साल तक जब सीबीएसई का रिजल्ट आता था तो हम बड़ी अच्छी चहल पहल स्कूलों में देखते थे, टीचर्स को जश्न मनाते हुए देखते थे, हम बच्चों को जश्न मनाते हुए देखते थे। रिजल्ट पूरी तरह से बदला है, रिजल्ट की पद्धति बदली है और रिजल्ट के बाद का जश्न भी बदल गया। जी बिल्कुल, देखिए इस बार थोड़ा सा तस्वीर जरूर बदला हुआ है क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है और इसीलिए बच्चों को भी इकट्ठा नहीं होने के लिए कहा गया है। हालांकि स्कूल में हम इस वक्त मौजूद हैं, डीपीएस स्कूल में। पिछली बार भी हमने यहां से तस्वीर दिखाया था कि यहां बच्चे जब रिजल्ट आए थे तो किस तरह से जश्न मना रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के प्रिंसिपल राम सिंह जी, उनसे ही हम जानेंगे कि आज का रिजल्ट कैसा रहा है। सर, कैसा है इस बार का रिजल्ट? देखिए डीपीएस का रिजल्ट हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा हुआ है और 98% से ज्यादा जो हाईएस्ट का हमारा परसेंटेज है अभी निकल के आ रहा है और रिजल्ट जो है 100% डीपीएस का हुआ है। लड़कियों का जो परसेंटेज है ओवरऑल कंट्री के लेवल पर देखें तो 5% बढ़ा हुआ है, तो हमको लगता है कि हर स्कूल के जो लड़कियां हैं वो अच्छा की हैं। सर, तस्वीर थोड़ा जरूर बदला है, बच्चे होते थे रिजल्ट के टाइम में, खुशियां मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बच्चे नहीं यहाँ मौजूद हैं। देखिए थोड़ा सा तो है कि बच्चों की जो किलकारियां, बच्चों का कूदना, ये सब है। हमको लगता है कुछ बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्कूल बुलाया गया और उनको जरूर प्रोत्साहित करेगा जो हमारे टॉपर्स रहे हैं। देखिए ओवरऑल जो कंट्री का है वो 5.34% जो है रिजल्ट बढ़ा हुआ है, अच्छा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए इस बार जो है बिहार झारखंड रीजन की अगर हम बात करें तो 74.57% रिजल्ट यहां रहा है, तो ये एक तरह से अच्छा माना जाए। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में रिजल्ट जो है थोड़ा जरूर लेट हुआ है, लेकिन बच्चों में खुशी जरूर है। प्रिंसिपल से बात की, बच्चों की खुशी को आपने बताया, लेकिन देखिए एक चीज ये थी कि जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम 12वीं का नहीं हुआ था उसके नंबर हाई कोर्ट की या कहें कि कोर्ट की इजाजत के बाद जो पद्धति अपनाई गई उस पद्धति के अनुसार आपके छात्रों से जरूर बात हुई होगी, क्या वो खुश हैं उस असेसमेंट के आधार पर जो पेपर उन्होंने नहीं दिया उसके मार्क्स अब उनके सामने आए हैं? देखिए कोरोना की वजह से जो एग्जाम्स नहीं हुए थे उसमें बच्चों का मानना है कि जो रिजल्ट आया है वो ठीक है, लेकिन अगर वो लिखते तो और भी बेहतर आ सकता था, लेकिन वो बच्चे जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना ने सब कुछ को बदला है, जरूर कोर्ट के आदेश के बाद जो है रिजल्ट जारी किया गया तो बच्चों में भी खुशी देखी जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।